भारत जोड़ो न्याय यात्रा ऐतिहासिक यात्रा है, उसको जिस रूप डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया है और विशेष रूप से मुख्यमंत्री के निर्देश पर, तो और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। अन्य राज्यों में कोई जाएगा जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, वहाँ कोई जाएगा केंद्रीय मंत्री या इनका बड़ा नेता जाएगा बीजेपी का, उसके खिलाफ में अगर इस प्रकार का आदेश देगा मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, आप FIR लॉन्च कर दीजिए। तो आप सोच सकते हो कि ये कई नई परंपरा डाल रहे हैं लोग, ना राहुल गांधी डालने वाले हैं ना कांग्रेस नेता डालने वाले हैं। यात्रा बहुत कामयाब रहेगी, 6000 किलोमीटर की, और उसी से इनको तकलीफ हो रही है और ये इस प्रकार डिस्टर्ब कर रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा ऐतिहासिक यात्रा है, उसको जिस रूप डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया है और विशेष रूप से मुख्यमंत्री के निर्देश पर, तो और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। और मुख्यमंत्री जी ने ये भी आदेश दे दिया कि आप FIR लॉन्च कर दो, किसी भी मुख्यमंत्री को अधिकार नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को अधिकार नहीं होता है कि आप फिर किसी पुलिस वालों को अधिकार कहो कि आप सीधा FIR दर्ज कर दो। ये प्योरली काम CRPC के अंतर्गत ये काम होता है, SHO वो तय करता है कि जो घटना घटित हुई है वो घटना किस रूप में हुई है, क्यों हुई है और क्या क्या धारा लगेगी और FIR लॉन्च होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये फैसला भी SHO करता है। मुख्यमंत्री निर्देश देने लग जाएंगे, वो दुष्प्रभाव निकालने के लिए किसी के लिए कह देंगे, तो ये बहुत गलत किया है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की अगर हरकतें होगी तो अन्य राज्यों में कोई जाएगा जो नॉन BJP गवर्नमेंट है, वहाँ कोई जाएगा केंद्रीय मंत्री या इनका बड़ा नेता जाएगा BJP का, उसके खिलाफ में अगर इस प्रकार का आदेश देगा मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, आप FIR लॉन्च कर दीजिए। तो आप सोच सकते हो कि ये कई नई परंपरा डाल रहे हैं लोग, तो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इस प्रकार की जो यात्रा शानदार चल रही है उसको डिस्टर्ब करने का षड्यंत्र है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और ये कितनी कोशिश कर ले, ना राहुल गांधी डालने वाले हैं ना कांग्रेस नेता डालने वाले हैं। यात्रा बहुत कामयाब रहेगी, 6000 किलोमीटर की, और उसी से इनको तकलीफ हो रही है और ये इस प्रकार डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये भी राष्ट्रीय है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अंदर ना तो इनके BJP अध्यक्ष थे नड्डा साहब, ना गृह मंत्री अमित शाह जी थे, ना राजनाथ सिंह जी थे। राजनाथ सिंह जी तो वहीं के हैं, UP के ही हैं। तो इस प्रकार से तमाम जो इनके खुद की पार्टी नेता थे वो वहाँ क्यों नहीं गए? खड़गे साहब और सोनिया गांधी जी के बारे में तो कहते थे कि वो उन्होंने मना क्यों किया, और इनकी खुद की पार्टी नेता क्यों नहीं गए फिर? इसका मतलब है कि जो तरीका अपनाया गया है, जिस प्रकार से राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे जो स्पीचेज हुई है उसके बाद में तो कोई क्वेश्चन उठता ही नहीं है क्यों नहीं गए खड़गे साहब, क्यों नहीं गए सोनिया जी, क्यों नहीं गए? तो ये तमाम बातें स्वतः समाप्त हो जाती हैं कि वो लोग खुद क्यों नहीं गए। तो आप समझ सकते हैं कि ये राजनीतिक इवेंट के रूप में हो गया ये, बल्कि राम लला की प्राण प्रतिष्ठा पूरी तरह धार्मिक ओतप्रोत से सांस्कृतिक मूल्यों को सामने रख कर के जो धर्म कहता है उन विधियों से ये अच्छा प्रोग्राम संपन्न हो सकता था, जिसमें शंकराचार्य भी आते चारों, तो प्रधानमंत्री जी की शोभा बढ़ती, सरकार की शोभा बढ़ती और देश की शोभा बढ़ती। हमारे देश में हिंदू धर्म में सनातन में तो सबसे सर्वोच्च जो आज्ञा दे सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं, वो धर्माचार्य और आपके शंकराचार्य होते हैं। उनको इग्नोर करके आपने प्रोग्राम किया, मैनेजमेंट से प्रोग्राम किया, उनके खिलाफ में कई लोगों को बुलवाया गया, वो भी अच्छी परंपरा नहीं रही। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल जो है ये लोग एक्सपोज ही हुए हैं, और जो भाषण हुए हैं बहुत खतरनाक भाषण है। भाषण का जो मर्म निकालने पत्रकार लोग, लेखक, बुद्धिजीवी, वो सब चिंतित हो गए हैं। देश भर के बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकार जो समझदार है, मोदी मीडिया के बाद छोड़ दीजिए,
बाकी सब लोग जो है चिंतित हो गए हैं कि ये जो भाषण हुआ इनका, ये भाषण चुनाव के बाद में देश को किस दिशा में ले जाएगा, ये बहुत ही खतरनाक मामला है। ये चिंता हम सबको करनी चाहिए, पूरे देशवासियों को करनी चाहिए, वरना आने वाले वक्त में सब पछताएंगे। हाल ही में सर बिहार के पूर्व सीएम को पहले नॉन कांग्रेस सीएम को भारत रत्न देने की देखिए, वैसे तो कर्पूर ठाकुर जो है कोई दूरा नहीं, बहुत मान नेता थे, मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने क्रांतिकारी फैसले किए, उन सब का हम सम्मान करता है, आज तक सम्मान करता आए हैं। पर चुनाव के 3 महीने पहले इन जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने मोदी जी, तब दे सकते थे आराम से। 10 साल बाद में जब चुनाव का मौका है तब आपने फैसला किया, तो आप समझ सकते हो कि इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण भी है।